Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. गागरौन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है. गागरौन का किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था. दक्षिण राजस्थान और मालवा के बीच काली सिंध और आहू नदी के संगम पर पानी से घिरे गागरौन किले का निर्माण राजा बीजल देव ने करवाया था. गागरौन किले की स्थापना और निर्माण की दृष्टि से ये किला पूरे राजस्थान में बेजोड़ माना जाता है. गागरौन किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा और व्यवस्था है. गागरौन किले के चारों ओर ऊंची पर्वत और नदियां और जंगल इसकी सुरक्षा कवच बने हुए हैं. गागरौन किले में 300 साल तक यहाँ खींची राजाओं ने शासन किया था. इस किले में 14 युद्ध और 2 जौहर हुए थे. गागरौन के किले पर 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था. राजा जैत सिंह खींची ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया था. सन 1338 से सन 1368 तक राजा प्रताप राय ने गागरौन पर शासन किया और इसे एक समस्त रियासत बना दिया था. बाद में सन्यासी बनकर वही राजा संत पीपा के नाम से पहचाने गए. गुजरात में स्थित द्वारका में आज उनके नाम पर मठ मौजूद है. तकरीबन 14वीं सदी के मध्य तक गागरौन किले का एक समस्त रियासत बन चुका था. गागरौन किले में 2 प्रमुख प्रवेश द्वार है. एक दरवाजा नदी की ओर खुलता है तो दूसरा दरवाजा पहाड़ी के रास्ते की ओर निकलता है. पहले इस किले का इस्तेमाल दुश्मनों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था. गागरौन किले का महत्व मध्ययुग काल में इस बात से मालूम होता है कि सम्राट शेरशाह और अकबर दोनों ने यहाँ पर राज्य किया था. अकबर ने इसका अपना मुख्य कार्यालय बनाया था और अंत समय में उसने बीकानेर के राजपूत पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया था. गागरौन के किले में अचल दास का एक पलंग भी मौजूद है जिसे कई सौ सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया है. होशंगशाह की जीत के बाद अचल दास खींची की वीरता से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने राजा के व्यक्तिगत निवास और स्मृति से छेड़छाड़ नहीं की थी और कई सौ सालों से इनका पलंग वैसे ही रखा हुआ है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.